कराची के मरूफ रिहायशी प्रोजेक्ट गुलमहल सिटी की जानब से रमजान मुबारक ने 3 रोजा सहारी में कुरान दाजी के जरिए प्लॉट जीतने वाले खुश नसीबों में प्लॉटों की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चेयरमैन कैप्टन नदीम खान ने कहा कि गुलमहल सिटी कराची में आलमी मयार की तरफ रिहायश पेश कर रहा है। हम गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी के मशहूर हैं, जिन्होंने तोहफा मिलने वाले प्लॉट को सहारी में मौजूद मुस्तहक नाबीना शख्स के लिए हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। खास तौर पे आज उन लोगों को जो खुश नसीब हैं, जिनके प्लॉट्स जेडीसी के प्लेटफॉर्म से हमने दिए थे, उसमें जैसे 9 लोग रिजवान साहब ने उस बारे में बता दिए कि 9 वो लोग थे जिन्हें हमारी जो इवेंट था उसको शेयर करने पे हमने कहा था कि प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 9 तो वो लोग थे। उसके बाद फिर मजीद 3 लोग जिन्होंने वहाँ पे कुरानदाजी में हिस्सा लिया उनको दिए गए। इसके बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाक्य पेश आया था रमजान के महीने में, जिसमें 4 फायर फाइटर्स जो हैं वो आग को बुझाते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था। इस सेरेमनी को हमने गवर्नर हाउस में कंडक्ट किया, जहाँ गवर्नर साहब की मौजूदगी में उनके हाथ से लोगों को हमने फाइल दी थी, मगर चूंकि उस वक्त हमारे पास डाटा मौजूद नहीं था तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपना डाटा हमें प्रोवाइड करें, और तमाम डाटा हमें रिसीव होने के बाद आज हमने उसको एक सेरेमनी रखी है कि ताकि हम उन लोगों को वो फाइल्स हैंड ओवर कर सकें।